और अगली खबर भी अभिषेक कुमार बता रहे हैं। दिल्ली प्रदेश जदयू के अध्यक्ष नरसिंह शाह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं अभिषेक कुमार की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मैं बदरपुर विधानसभा में हूं और हमारे साथ आप देख रहे हैं नरसिंह शाह जी हैं। नरसिंह शाह जी जदयू के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस क्षेत्र में जमीनी स्तर से जुड़े रहने वाले समाज सेवक हैं और काफी समाज सेवाएं इन्होंने इस क्षेत्र में की है। इनकी मिसेज यहाँ से पार्षद भी रह चुकी है। देखिए, यहाँ की समस्या ये समझे कि पार्षद की समस्या अलग है, विधायक महोदय की समस्या अलग है, अब क्षेत्र की समस्या रही पार्षद जी की। चलिए, ये वार्ड हमारे पास जो है आज की डेट में जहाँ दो पार्षद हुआ करते हैं, हमारे ज़माने में कभी एक पार्षद होते थे और लेबर भी हमको कम मिलती थी, फिर भी इस क्षेत्र की सफाई जो है जोर से होता था। कहीं नाली, कहीं गली, कहीं मोहल्ला पानी नहीं दिखाई देता था। इसी वार्ड में से दो वार्ड हुआ और दो दो पार्षद हुए। आज किसी भी गली में घुसिए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, सफाई तो छोड़िए, लोगों को जो गवर्नमेंट पेंशन देती है वो गरीब लोगों को टाइम से नहीं मिल पा रहा है, तो ये लोग सफाई क्या कराएगा। हमारे जब कार्यकाल में हमने इतना काम किया कि लोगों को पेंशन भी टाइम से हमारा आता था और हम सफाई भी समय से करते थे। जब बीजेपी के लोग जब चुनाव लड़ते थे, जब चुनाव मैदान में थे, हम भी मैदान में था, तो इनके नेता आते थे, बड़े बड़े भाषण दे के चले जाते थे, कहते थे कि देखिए हमारी MCT में सरकार आएगी, और सरकार उन्हीं की थी, पहले भी थी, ये बात कहते हुए भूल जाते थे कि हमारी सरकार नहीं है। उनको ये कहना चाहिए था कि भाई सरकार हमारी अब है, अच्छी काम नहीं किया, अब हमें मौका दीजिए, हम अच्छा काम करें, ये लाइन वो लोग नहीं बोलते थे। इतनी तोड़फोड़ पहले जब हम यहाँ के पार्षद थे तो इतनी तोड़फोड़ हम उन्हें नहीं देते थे। हम DC की घेराव करते थे, हम यहाँ के जो है इंस्पेक्टर से भी मिलते थे, हम JEE से मिलते थे कि बताओ भाई नुकसान क्या है यहाँ पे, जब यहाँ पे बगल में मेट्रो स्टेशन बन सकता है, बगल में बारात घर बन सकता है। आप क्या मानते हैं साहब की ये तोड़फोड़ कौन करा रहा है? देखिए, इसमें तोड़फोड़ तो जो है ये जितने BJP की सारी चाल है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट टाइट हो जाए, आज MCD टाइट हो जाए, देखिए यहाँ छोटे छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं। हम ये कहते हैं कि DDA का चाहे MCD का जो बिल्डिंग बाइलाज है बना करके लोगों को दे दिया जाए। लोग जो है चार्ज ही भरेंगे, मकान भी खुले दिल से बनाएंगे और अपने मकान में सुकून से रहेंगे। आज जो है आज भी लोग पैसा दे रहे हैं और कल भी लोग पैसा देंगे, तो हम ये चाहते हैं कि ये पैसा गवर्नमेंट के पास क्यों ना जाए और लोगों की सुख शांति मिले, इनकी मकान जो बिल्कुल स्वच्छता से मिल रही है। आज पैसा जा रही है लेकिन अनलीगल तरीके से जा रही है और लोग अंधेरे में लेंटर डालते हैं, रात के अंधेरे में लोग जो ईंट मंगाते हैं, रात के अंधेरे में लोग मजदूर करते हैं, जिसका नतीजा कि मजदूर भी महंगा पड़ता है और इनको ऊपर से पैसा भी देना पड़ता है। तो बताइए कहाँ का न्याय है? आम आदमी पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तो रोज ये कहते थे, हर मीटिंग, हर चौराहे, हर चौक पर बोला करते थे कि हमारी सरकार को पूर्ण बहुमत दीजिए, हम दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी को जाए ऑथराइज करा देंगे, अनऑथराइज को जाए। लेकिन आज तक इस पर पाल नहीं हुआ, न सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, अब फिर चुनाव आने वाला है, फिर मुद्दा इस पर उठे। आखिरी संदेश पूरी दिल्ली की जनता, देखिए हमारी पूरी जनता दिल्ली वासियों को हमारा एक ही संदेश है, लास्ट में बात करके मैं फाइनल करूंगा कि हमारी फोकस जो है अधिकतर जो है अनऑथराइज कॉलोनी पर है। जिस दिन अनऑथराइज कॉलोनी आजाद हो गई, दिल्ली की समस्या आधी से ऊपर खत्म हो गई। तो ये थे नरसिंह शाह जी और इनका कहना है कि जमीन से जुड़कर अनाधिकृत कॉलोनियों से मुक्ति दिलाना ही इनकी पार्टी का मेन मकसद है और अगले चुनाव में जहां एक तरफ सभी पार्टियां चुनाव लड़ेगी वहीं जनता दल यूनाइटेड भी चुनाव लड़ रही है। देखना यह है कि क्या रिजल्ट मिलता है जनता दल को या नहीं मिलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन प्रवीण कुमार के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज 24, बदरपुर दिल्ली। और आगे की खबरों के लिए हम चलते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार के पास, जो बता रहे हैं किस प्रकार से एक ही जमीन को कई लोगों को बेचा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मैं सरिता बिहार के मदनपुर खादर में हूं और मदनपुर खादर का ये इलाका है, मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन इस एरिया को दिखाए। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ओजोन को लेकर बनी रहती है और कंस्ट्रक्शन इस क्षेत्र में तकरीबन सरकार के तरफ से नामंजूर की हुई है। और जिस प्लॉट में हम खड़े हैं, इस प्लॉट का एक मसला है कि ये प्लॉट कई लोगों को बेचे गए हैं। अब कौन कौन लोग हैं, एक पार्टी आप देख रहे हैं जिनकी कंप्लेन हमारे पास आई थी और इनका कहना है कि इन्होंने इस प्लॉट को खरीदा है, तो किस बिहाफ पे खरीदा है और इनकी क्या डिमांड है जिसके लिए ये यहाँ पर आए हुए हैं। और कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने इस प्लॉट को यहाँ पर
दावा कर रहे हैं कि खरीदा है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसने बेचा है इस प्लॉट को उसने दो लोगों को क्यों बेचा, तो इसके बारे में जानते हैं। आप अपना नाम बताते हुए बताएं जो आप यहाँ पर दावा कर रहे हैं वो किन बिहाब पर है और कितने दिन पहले आपने इसे खरीदा था। मैंने ये 8 अक्टूबर 2017 में खरीदा था, बयाना दिया था। इस पे एक डिस्प्यूट भी था इन लोगों का कि ये प्लॉट जो है तकरीबन जो है ये अपोजिट पार्टी है, इनको रख सकते हैं क्या? हाँ, तो जी हाँ, तो इसमें जो ये प्लॉट है ये 300 गज इनका था, इन्होंने किसी को 200 गज की पारा पटौनी दे रखी थी। इनमें डिस्प्यूट ये था कि वो 250 या 225 गज का दावा करा था कि मुझे चाहिए, ये कहते थे मेरा फ्रंट केल टाइप है, वो कहता था मेरा फ्रंट केल टाइप है। तो मैंने इनको बयाना देखिए, बयाना उसमें टाइम और डेट स्लैब नहीं रखा गया था कि जब इनका डिस्प्यूट क्लियर हो जाएगा आगे की पेमेंट के शेड्यूल रखेंगे, लेकिन एग्रीमेंट बन गया था। इन्होंने फिर मैंने बैठ के 12 तारीख को पूरा दिन हम लोग 8-10 लोग बैठे और इनका मामला रात के 1 बजे सॉर्ट आउट हुआ, जिसका हमारे पास में लिखित में 5-6 गवाहों के साथ में है। और इन्होंने फिर मुश्तरका तौर पर इकट्ठा अपलोड, ताकि किसी को यही शिकायत न रहे कि मैं फ्रंट पे हूँ मेल टाइप पे हूँ, एक ही कीमत बराबर कर वैल्यू करके हमने अपने। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे 15-16 तारीख में आए, जिससे इन्होंने खरीदा था, जिससे मैंने लिया है आजम नूर साहब से, आप लोग तो अब मिले हैं और दोनों आदमी को लग रहा है कि भाई मैंने खरीदा या मैंने खरीदा, ये मतलब नहीं, ये तो है जिनसे मैंने लिया ये है वो। तो हम जिनसे इन्होंने खरीदा था, जिनके जरिए मैंने लिया, हम उनके पास गए प्रधान जी के पास, उन्होंने कहा, हमने कहा भाई ये 437 गज है, 500 गज नहीं है, आप इसको पूरा करिए तब हम 500 गज की देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए मैं करता हूँ। हम लोग वहाँ से वापस आ गए, तो इन्होंने कहा कि भाई हमको थोड़ा टाइम दीजिए, हम इस प्लॉट की जो पैमाइश है इसका रकबा पूरा करके आपको जल्द कॉन्टेक्ट करेंगे। मैं बार बार इनसे रबते में रहा। 30 दिसंबर को इन्होंने एक मसला किया मेरे से, ओरिजिनल पेपर भी छीन ले, लड़ाई झगड़े करके गन्नों पे और ये सारी चीज़ें। फिर वो मामला फैसला हुआ कि भाई ठीक है आप जो है अपना मामला सॉर्ट आउट करिए। हम लोग 10-20 लोग थे और 50 लोग महल पड़ोस के जितने जहाँ पे मसला हुआ था, ये मामला हुआ कि ठीक है ये पहले अपना 500 गज रकबा पूरा कर लें, फिर ये आपको डील हो जाएगी। अभी 15 दिन पहले मैं देख रहा हूँ इसकी बाउंड्री कराना शुरू कर दी, तो मैंने 100 नंबर पर फ़ोन करके इनसे भी रबता किया, इन्होंने कहा नहीं मैंने बेचा नहीं है और ये ऐसे ही मैं बाउंड्री करा रहा हूँ। मैंने कहा भाई आपने तो ये कहा था कि मैं 2 रुपये नहीं लगाऊंगा, आपको एज इट इज़ बाउंड्री आप ही कराना, आप फिर क्यों लाखों रुपये लगा रहे हैं इसमें बाउंड्री के लिए। तभी ये बात हो ही रही थी यहाँ पर कि दो लोग आ गए कि ये तो हमने ख़रीद लिया है। तब मैंने वहाँ से जाके कुछ देखा तो एक हफ्ते पहले काम लगा हुआ था, मैंने 100 नंबर पर फ़ोन करके काम रुकाया। फिर पुलिस में भी कंप्लेन दी कि भाई जब तक हम लोग ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, बाउंड्री वॉल ना हो, लेकिन ये जो है पता नहीं कौन सी सोर्स है इनके पास में कि बाउंड्री भी हो रही है, हम 100 नंबर भी कॉल कर रहे हैं बाउंड्री भी हो रही है, रुक नहीं रहा है काम। मैं थाने ही जा रहा था अभी, पुलिस वाले यहाँ लेबर को भगा के गए, फिर काम शुरू कर दिया। तो ये पता नहीं अजीब सा मसला है कि कौन सी एक आदमी, शरीफ आदमी के अंदर कौन सी वीकनेस है कि उसकी बात नहीं सुनी जाती, और एक दबंग आदमी 4-4 जगह अपना प्लॉट बेचता है, उसको सपोर्ट किया जाता सिस्टम के जरिए। आप इनके पास जो कागज है, आपके एग्रीमेंट किए हुए, आपकी साइन हुई, वो कहां से है इनके पास? जो भी कागज है इनका, हमारा 8 अक्टूबर 2017 को एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, इसके बाद ये पेमेंट नहीं कर पाए हमारे हिसाब से, और इन्होंने कहा कि आप बोलते हैं प्लॉट कम है, मैंने कहा प्लॉट कम नहीं है, जिस पैमाइश से है उस पैमाइश से वो प्लॉट लेना है तो ली। इनका एग्रीमेंट क्या बोलते हैं, इन्होंने एग्रीमेंट अपना क्या बोलते हैं, इनका एग्रीमेंट ओरिजिनल मेरे पास है। अगर इनके इनसे 30 दिसंबर को मैंने अगर इनका एग्रीमेंट इनसे छीन लिया मारपीट के, तो इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं कराया 30 दिसंबर को? अगर इन्हें मारपीट कर एग्रीमेंट छीन लिया तो इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं कराया? सबसे बड़ा था ये है भूमाफिया, ये अलग अलग लोगों के नाम पे क्या बोलते हैं, जिसे भूमि अधिग्रहण क्या बोलते हैं, भूमि क्या बोलते हैं, भूमि माफिया के मतलब है कि जमीन को कब्जा कर लो, कोई पंगा कर लो, ठीक है इनका है। और रहा सवाल क्या बोलते हैं इनसे, जब जो चीज़ हम इनसे हमारी डील नहीं बनी, ठीक है, ये पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, ये भी क्या बोलते हैं एक मुस्लिम है, अभी ये अंसारी हैं क्या है? हम तो क्या बोलते हैं अपने कास्ट में जो है सही है, लेकिन इनका क्या है कि अगर ये पेमेंट करते, ठीक है, इनसे पेमेंट नहीं हुई। अगर मुसलमान है तो मैं तो कहता हूँ कि क्या बोलते हैं हमारे क्या बोलते हैं इस्लाम में एक क्या बोलती चीज़ कहते हैं कुरान, ठीक है, नॉर्मल सी कुरान। अगर इनका हमारा एग्रीमेंट कैंसिल ना हुआ, ये क्या बोलते हैं हमें ये अग्रीमेंट दे के मेरे घर पे नहीं गए हूँ 25 अक्टूबर को, जिसमें 25 अक्टूबर को एक ये अग्रीमेंट बना के लाए, ठीक है, मेरे पास ये अग्रीमेंट दे दिया और ये अग्रीमेंट हाँ बता रहा हूँ 25 अक्टूबर को एक अग्रीमेंट बना के लाए कि ये अग्रीमेंट आपका टेम्पररी अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट बना लीजिए,
ठीक है, इसमें अग्रीमेंट बनाने के बाद, ये तो मैंने अभी टाइप नहीं कराया है, या ऑनलाइन सारा चीज होता है, ये अग्रीमेंट ओरिजिनल भी मैंने कहा कि आप ये अग्रीमेंट रख जाइए, ये अग्रीमेंट हो गए कैंसिल, ठीक है, इसके बारे में हमें 15-16 दिन का टाइम दीजिए, ठीक है, उसके बाद हम सोचेंगे कि प्लॉट देना है नहीं देना है। प्लॉट पे इनके अमाउंट आए हुए थे, इनके 1,00,000 रुपए आए थे, इनके पास पहुंच गए। तो आप दो आदमी हैं इस प्लॉट में, दो आदमी की, हाँ, दो आदमी सजाए, इसमें से एक आदमी को इन्होंने तकरीबन बोल रहे 13.5 लाख के आसपास, अच्छा वो 13.5 लाख का आसपास दिया हुआ है, तो 13.5 लाख का इन्हें कम्प्लेन करना चाहिए, ठीक है, उनसे उन्हें पेमेंट दिया है, उनसे उन्हें कम्प्लेन करें, उन्हें कहें कि हाँ मेरा 13.5 लाख रुपए मैंने आपको दिया है, ठीक है, आप क्यों कर रहे हो, उस बंदे के खिलाफ कंप्लेन कर, उस बंदे के खिलाफ कंप्लेन तक नहीं किया इन्होंने। आप यहाँ पर दावा कर रहे हैं जी, जी। इनका सरासर कहना है आपका एग्रीमेंट कैंसिल हुआ था, 1,00,000 रुपए आपने दिए पहले, उठ के एक साथ चाय भी पीते थे और आज भी पीएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा नहीं है। अभी जो मेन मसला है कि ये प्लॉट किसी और को बेची जा चुकी है। सर मैं आपको बताऊँ, देखिए इन्होंने बोला की 25 तारीख को एक नया एग्रीमेंट बना है, आप ये बताइए कि मैं कैंसिल करने जाऊंगा तो नया एग्रीमेंट लेके जाऊंगा? कैंसिल क्या होता है? कैंसिल का मतलब डील कैंसिल, नया एग्रीमेंट शेड्यूल वेड्यूल सारे रेट वेट को लें, दूसरा जो लेके आए ये मुझसे बोलेंगे कि एग्रीमेंट कैंसिल हो गया हमारा, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो आप, और मैं एक नया एग्रीमेंट लेके जाऊंगा, लो जी नया टाइम दे दो आप, हैं नया, आप पूछिए इनके पास ये एग्रीमेंट लेके आ रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने मुझसे डील को फाइनल करने के लिए बुलाया होगा, और मैं नया अगर मैं लेके गया हूं तो तभी तो मैं नया एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट भी ले लेते हैं, ये भी कहते हैं कि कैंसिल हो गया, ये मेरा बयाना भी नहीं देते हैं, 25 तारीख को ये कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, और ये कह रहे हैं कि 3 तारीख को मैं 4 तारीख को मैं इनके घर पे वो लेके आया है। कितने पैसे इस प्लॉट पे लगाए? मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, मैंने 1,00,000 रुपये दिया, चूंकि इनका डिस्प्यूट था, ये एग्रीमेंट भी नहीं बन रहा था, ये भी इन्होंने बनवाया कि नहीं आपने दिया बना लो, लिखित में होनी चाहिए सारी चीज़ें, और आप इनका डिस्प्यूट था, ये डिस्प्यूट की सारी डिटेल मेरे पास है, इनका डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कराया मैंने बैठ के, जो पूरा जामिया नगर नहीं करा था 4 साल से, सब लोग यहाँ पे गवाह हैं, वो मैंने बैठ के रात दिन करके 4 दिन रात दिन बैठा मैंने कराया, और इन दोनों ने अंगूठा लगा के कहा कि हम ये प्लॉट इनको बेच रहे हैं, सेम वैल्यू दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम ये अपना दावा करते हैं फ्रंट पे, तो पीछे वाले को 20-22 हज़ार रुपये का जमीन है, मैंने इनको बैलेंस किया कि नहीं किसी की कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखिए आप जब आपकी रेट बन जाती है कि इतने स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर फीट हम दे रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं आपको कि जो रेट उस टाइम में हमारी तय हुई थी उसको हटाकर अभी कुछ ज्यादा रेट इनको मिल रहा है तो इसलिए बेच रहे हैं, तो वो तो आप लोग आप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लॉट जैसे मैंने इन्हें प्लॉट कैंसिल कर दिया, रेट हमारा उससे बढ़ के मिले या कम मिले, अगर ये बंदे सही होते, अगर क्या बोलते एक तरह से जैसे कहते हैं भूमाफिया, क्या बोलते जमीन पर किसी से एग्रीमेंट कर लो 1,00,000 रुपये देगा और उस पर कोई डील फिक्स नहीं करो, टाइम टेबल फिक्स नहीं करो, ठीक है, उसे लंबा खींचते जाओ, उसे 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 लंबा खींच देता हूँ, इनका यही काम है, किसी को 1,00,000 रुपये की, अगर कोई बंदा आपस में लड़ रहा है तो इस बीच में ये आ जाते हैं, इनका बहुत बड़ा गुरु है ये साबित कर दें सर, और मैं साबित खड़ा होकर कर रहा हूँ, आप कोर्ट में जाइए देखिए, इन्होंने उसके ऊपर अपनी बीवी से इन्होंने भी केस लगा रखा, उसी के जिसके साथ में मिलकर आज मुझे चीट कर रहे हैं, उसी के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है कि आप ये है वो है सारी चीज, तो कोर्ट में केस चल रहा है इनका, अब ये 2 रुपए के लालच में मुझे चीट करने के लिए मिल गए एक दूसरे से, इनकी वाइफ के जरिए इन्होंने वो करा रखा केस, तो आप दोनों आदमी क्या चाह रहे हैं, मतलब ये अभी आप लोगों के बीच में हो सकता है या कानूनी प्रक्रिया जो है उसके तहत? कानूनी प्रक्रिया हो जाए, जो कानून चाहेगा, ये तो कभी कम्प्रोमाइज करते नहीं किसी के साथ में अपनी, अगर ये आपस में कम्प्रोमाइज करते तो सर 4 साल से केस चल रहा है, इन्होंने अपनी बीवी के से उस पर गलत केस लगवा के अटका रखा उसको कोर्ट में, तो देख रहे हैं आप इस प्लॉट का जो मसला है वो समझ से बाहर है कि कौन किसका है या क्या किसका है, लेकिन दोनों आदमी को भरोसा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत इस प्लॉट की पे कार्रवाई हो और जो उचित कार्रवाई बन सकती हो वो किया जाए। होता क्या है, क्या इंसाफ मिलता है यहाँ पर? प्लॉट किसी का भी हो, जिसने पैसे दिए हैं या जिसका प्लॉट है, जिसने खरीदा है, उसे इंसाफ मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन प्रवीण कुमार के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज 24 मदनपुर खादर सरिता बिहार दिल्ली।